चूर कर उस बेलपत्र को खिलाना प्रारंभ कर देते। धीरे धीरे शरीर उसका काम करने लगता है, जिसको लकवा लगा हो वो प्रयोग कर सकता। इसी बेलपत्र की जो नीचे की दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्ती के लिए पहले भी वर्णन करा, इन पत्र में भी है। किसी माता को इंजेक्शन लगते थे, इंसुलिन लगता था, पर बेलपत्री के सेवन करने से उनको अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है शुगर लेवल में। बेलपत्री की जो पत्ती होती है नीचे की दोनों पत्तियां, इस पर केसर से आप चंदन का तिलक, केसर का तिलक लगा लें, और भगवान शंकर का जो शिव जी के 13 बच्चे हैं, शंकर जी के कितने बच्चे हैं 13, उन 13 बच्चों में शंकर जी की पांचों लड़कियों का नाम लो, जया, जम के बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की पांच लड़की हैं। इन पांचों लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित करना प्रारंभ कर, 5 या 7 बेलपत्र ले लें, उसको समर्पित कर दें, उसको लेकर आए। जब बेलपत्र शुगर वाला व्यक्ति या बीपी वाला व्यक्ति या थायराइड वाला व्यक्ति खाए, तो एक एक बेलपत्र सबसे पहले नीचे की पत्ती को तोड़ ले, जो नीचे की दो पत्तियां, इसको तोड़कर खाना प्रारंभ करें, फिर आखिरी में ऊपर की पत्ती को खाएं। 3 दिन लगातार कर देखिए शुगर लेवल में ये जो 3 पत्तियां होती हैं, कभी कभी 5 पत्ती की भी बेलपत्र होती है, कभी कभी 6 पत्ती की भी होती है, 4 पत्ती की भी होती है। उस बेलपत्र का बड़ा महत्व होता है महाराज। 4 पत्ती की अगर बेलपत्र मिल जाए तो महाराज जो लकवे वाला शरीर होता है, जिसके शरीर में लकवा लग जाता है, उस लकवे के शरीर वाले के लिए 4 पत्ती की बेलपत्र शंकर भगवान पर समर्पित कर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 7 लोटा पानी, 7 कलश पीले चंदन का जल शिव जी को चढ़ाया जाता है। 4 पत्ती की बेलपत्र को वापिस उठा कर लाते हैं, उसको धोकर जो लकवे का शरीर वाला मरीज होता है, धीरे धीरे उसको चूर कर उस बेलपत्र को खिलाना प्रारंभ कर देते, धीरे धीरे शरीर उसका काम करने लगता है।